गुड मॉर्निंग, ये लेक्चर 3 है और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ सेकेंड। इसका मतलब क्या है, है ना? मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन ये आ गया कि 5वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6ठा सेकेंड, 7वां सेकेंड, 8वां सेकेंड। ये जो 5वां सेकेंड है ना, ये 5 सेकेंड नहीं है, ये 5वां सेकेंड 1 सेकेंड है, ठीक है ना? 5वां मतलब 5th सेकेंड में, ठीक है ना? उसको समझने के लिए यहाँ देखिए क्या है। मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, वो जो है 5 सेकंड में यानी t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है और t इज इक्वल टू 5 सेकंड में वो जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है, मान लेते हैं 50 मीटर, ठीक है? यानी जो आदमी है 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। और वही आदमी जो है 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में वही आदमी जो है डिस्टेंस कवर किया था, मान लेते हैं 35 मीटर, ठीक है? तो ये जो 4 से 5 है यानी ये 1 सेकेंड है ना, 4 से 5 का ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकेंड। इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी 4 सेकेंड में किया 35 मीटर और 5वां सेकेंड में कितना कर लिया, 15 मीटर, है ना? ये कितना डिस्टेंस है, 15 मीटर। यानी 4 सेकेंड और 5 सेकेंड का बीच की जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं 5वां सेकेंड। यानी 4 सेकेंड के बाद जो टाइम आने वाला है उसको हम बोलेंगे 5वां सेकेंड, ठीक है? तो अगर 4 सेकंड में 35 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 5वां सेकंड में कितना कर लिया, 15 मीटर, है ना? तभी 5 सेकंड में कितना हो गया, 50 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड यानी 5वां सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद, है ना? यानी 1 सेकेंड क्या कहलाएगा, 5वां सेकेंड, है ना? 4th के बाद क्या कहलाएगा, 5वां सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, जो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड किया है, माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। जितना 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया उतना और माइनस कर दिए जितना 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया, जब 5 सेकेंड में 4 सेकेंड घटाएंगे तो ये जो मिलेगा, ये मिलेगा 5th सेकेंड। क्या मिलेगा, 5th सेकेंड। यानी डिस्टेंस इसी को हम लिखेंगे शॉर्ट में s5th, यानी s5th जो है कैसे निकालेंगे, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे बोलेंगे s5th, ठीक है? सिमिलरली अगर हमको निकालना होगा 6ठा सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किए, तो आप पहले 6 सेकेंड में निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस है, फिर 5 सेकेंड निकाल लीजिए, 5 सेकेंड जो है 6 सेकेंड में घटा दीजिए तो निकल जाएगा 6 सेकेंड। सिमिलरली हमको 7वां सेकेंड में निकालना है, तो पहले 7 सेकेंड में निकालिए और फिर उसको 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको निकाल के हटा दीजिए, तो 7वां सेकेंड में कितना होगा वो निकल जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एस एंथ में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो ये हो जाएगा SN - SN-1, ये हो जाएगा, ठीक है? यानी अब इसी को हम लोग जो है प्रूफ करने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। यानी अब हम लोग देख चुके हैं कि एस एंथ जो है टाइम है वो एस एंथ है कितना, तो ये है डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर इन एन माइनस वन सेकेंड, है ना? तो एस एन है कितना, एस एन जब इसमें निकाल देते हैं, जैसे हम जाते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि एन सेकेंड में कितना निकालना है, यानी एस एन निकालना है, डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड, जो टाइम कितना हो गया एन, तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया एस एन। सिमिलरली हमको निकालना है कि डिस्टेंस कवर इन एन माइनस वन सेकेंड, तो ये हो जाएगा यू टाइम कितना ले लेंगे, एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? अब उसको हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, अब फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एस एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये कितना है, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? अगेन ऐसे सॉल्व करें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर देते हैं, यू एन माइनस यू प्लस ए बाई टू एन, इसको ब्रेक करते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2n। फाइनली इसको लिख सकते हैं यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू, इसको ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को, तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं,
यूएन सी वन गया और यहाँ बचता है यू प्लस, यहाँ ए बाई टू, ए बाई टू दोनों में है तो ए बाई टू कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से बचता है एन स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एन माइनस माइनस वन, ये कटा फाइनली फॉर्मूला गया ए यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस का वन, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड क्या हो जाएगा, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। कैसे इस क्वेश्चन को, कैसे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अब देखते हैं न्यूमेरिकल। इस दो क्वेश्चन से, इस दो क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन दे रखा है कि बॉडी का वस 10 मीटर इन सेकेंड सेकेंड, यानी दूसरा सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है एक बॉडी 10 मीटर, और पांचवा सेकेंड में कितना वो बॉडी डिस्टेंस कवर किया है, पांचवा सेकेंड में 25 मीटर, तो बताइए सातवां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एस एंथ का होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस का वन, जहाँ ए क्या है एक्सेलरेशन है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, एन क्या है किस टाइम पे निकालना है सेकेंड पे। तो पहला है कि सेकेंड सेकेंड यानी एस ट्वेल्थ पूछ रहा है, एस ट्वेल्थ तो यू प्लस ए बाई टू और टू एन कितना हो गया टू माइनस का वन, ये एस ट्वेल्थ कितना दे रखा है 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर है इज क्वालिटी, इसका इक्वेशन आता है यू प्लस ए बाई टू, ये हो गया इंटू थ्री, इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा है कि 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया पांचवा सेकेंड, यानी एस फिफ्थ दे रखा है, एस फिफ्थ दे रखा है 25 मीटर, अब इसमें क्या लिखेंगे यू प्लस ए बाई टू टू एन कितना है पांचवा माइनस वन, अब एस फिफ्थ कितना दे रखा है 25 मीटर, यानी यू प्लस ये बोलेंगे 10 ये हो गया 9 ए बाई टू, इक्वेशन हो गया सेकेंड। यानी ये दो इक्वेशन क्यों दे रखा है ताकि यहाँ से हम लोग यू और ए फाइंड कर सकें, क्योंकि सतवा निकालना है या कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू और ए तो चाहिए है ना, तो यू और ए फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशन हमको यूज करना होगा। अगर ये आपस में इसको घटाते हैं यानी हम लिखते हैं इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन तो यू कट जाएगा और ए फाइंड हो जाएगा, तो टू कितना है यू प्लस नाइन ए बाई टू इज इक्वल टू 25 और यू इक्वेशन फर्स्ट कितना है u प्लस थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू 10, आपस में घटाते हैं u से u कट गया क्योंकि घटा रहे हैं, 9 ए बाई टू डिवाइड बाई थ्री ए बाई टू, 9 ए बाई टू माइनस का 3 ए बाई टू, 25 में से 10 गया 15 और यहाँ आता है 9 में से 3 गया 6 ए बाई टू इज इक्वल टू 15 और फाइनली a इज इक्वल टू हो जाता है 30/6, अब 6 5 जा यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड हो गया है। और किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पहला से, यानी यू प्लस क्या दे रखा है 3 ए बाई टू इज इक्वल टू 10, यू फाइंड करना है 3 ए कितना है 5 बाई टू इज इक्वल टू 10, यानी यू इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस ये हो गया 15 बाई टू और यू हो जाता है ये आपका हो गया 20 माइनस 15 5 बाई टू, यानी यू कितना हो गया 5 बाई टू मीटर पर सेकेंड। मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकेंड, यानी ए सेवंथ निकालना है और ए सेवंथ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस का वन। ठीक है, ए सेवंथ निकालना है, यू भी मालूम है कितना है यू, यू है 5 बाई टू और ए कितना है अगेन ये 5 है नीचे 2 हो गया 2, एन कितना है 7 माइनस का 1, यानी ए 7 आता है 5 बाई टू प्लस 5 बाई टू इन टू ये 14 माइनस ये 13 हो जाता है, यानी यहाँ से हो जाएगा अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो होता है 5 और ये हो जाता है 65, यानी ये हो जाएगा 70 बाई टू और इसको सॉल्व करने के बाद आता है 35 मीटर, यानी सतवा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 35 मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी जो है ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट सच दैट इट कवर्स 45 मीटर इन इट्स लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर, यानी क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लेते हैं कोई टावर है, यह टावर है और इसका हाइट नहीं मालूम, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग 3 स्टार मान लिया जाए। क्वेश्चन, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं यू इज इक्वल टू 0 से,
ठीक है। और बोलता है कि लास्ट सेकेंड, मान लें कि अगर 10 सेकेंड अगर लगता है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो 10वां सेकेंड में, यानी लास्ट सेकेंड क्या कहलाएगा, 10वां सेकेंड। यानी बोलता है कि जो लास्ट सेकेंड है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक है ना, जो एंथ सेकेंड है, अगर एम सेकेंड है टोटल जो है डिस्टेंस यहाँ तक आने में, अगर एन सेकेंड लगता है तो एंथ सेकेंड यानी लास्ट सेकेंड क्या कहलाएगा, एंथ सेकेंड। अब वो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है आपका 45 मीटर, यानी एस एनथ हमको दे रखा है। यहाँ से हम लोग एन निकाल सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन वाले फॉर्मूला को यूज करें, तो एस एनथ हमको दे रखा है 45, यानी एंथ सेकंड में, लास्ट सेकंड में 45 मीटर दे रखा है। यू है जीरो क्योंकि यहाँ ड्रॉप हो रहा है, और ए हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है, तो हम लोग अगर नीचे मूव करता है तो उसको एक्सेलरेशन समझते हैं और जी को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये हो गया 10/2, 2n-1, यहाँ से n निकल जाएगा, 2 5 बार में, यानी 45 इज इक्वल टू 5, 2n-1, 5 9 टाइम्स, 9 इक्वल टू हो गया 2n-1, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2n, और n हो गया 5 सेकेंड। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकेंड लगेगा, और 5वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 45 मीटर। अगर मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकेंड लग गया है, तो हाइट मालूम चल जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, से इसका हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। एच यू है जीरो, हाफ एक्सेशन लेते हैं मतलब प्लस 10, और टाइम ले रहे हैं 5 का स्क्वायर, 2 5, यानी एच हो गया 5 × 25, यानी एच हो गया 125 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे आप समझ चुके होंगे। चलिए, थैंक यू।